हर हर महादेव। एक अनूप जी हैं, इन्होंने अपना वर्ण स्थान गोत्र आदि नहीं लिखा है, कृपया आप लोग अपना वर्ण गोत्र स्थान आदि का परिचय अवश्य देवें तो उत्तर देने में हमको जो है सुविधा होती है। इनका प्रश्न है कि पितृ दोष क्या है तथा इसका समाधान क्या है, कब करना चाहिए, कृपया बतलाने का कष्ट करें। तो देखिए, आजकल बहुत चलता है भाई पितृदोष है, पितृदोष है। तो पितृदोष क्या होता है? पाराशर होरा शास्त्र में, ज्योतिष में पितृदोष के जो है कई कारण बतलाए गए हैं कुंडली के आधार पर। भाई ये ग्रह यहाँ हो, ऐसा हो, ऐसा हो तो पितृदोष होता है। मुख्य रूप से उसके जो कारण है वो सुनिएगा। किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह अथवा दशम स्थान में यदि राहु अथवा केतु की स्थिति होती है, युति होती है, तो पितृदोष होता है। एक बार और सुनिए, यदि सूर्य के साथ राहु केतु बैठे हैं अथवा चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित है अथवा दशम स्थान में राहु केतु का बोलबाला है तो जो है आपकी कुंडली में पितृदोष है, ऐसा मानना है। और भी कई जो है योग वहां बतलाए गए हैं। हमारे एक मित्र हैं योगेश शर्मा जी, वो जो है ज्योतिष के अच्छे ज्ञानी हैं, तो उनसे चर्चा होती रहती है। होरा शास्त्र में, पाराशर होरा शास्त्र में बहुत ये जो है योग बतलाए गए हैं। देखिए, अब ये विचार करिए कि पितृदोष होता क्यों है, क्यों होता है पितृदोष? तो पितृदोष इसलिए होता है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग अपने माता पिता का या जिनका खुद का जो शास्त्र के अनुसार जो बतलाया गया और्ध्वदैहिक कृत्य है वो विधि विधान पूर्वक नहीं हो पाता तो उनकी कुंडली में पितृदोष होता है। लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद यदि 49 पिंडदान नहीं दिए गए, 16 मलिन षोडशी के, 16 मध्यम षोडशी के, 16 उत्तम षोडशी के और एक महि को दिष्ट श्राद्ध जब तक नहीं होता है, ये पिंड नहीं दिए जाते हैं, तब तक व्यक्ति की प्रेतत्व से निवृत्ति नहीं होती। ये होने के बाद ही वो पितृकोटि में मिलने का अर्थात सपिंडन करने का, सपिंडी श्राद्ध का अधिकारी होता है, तभी वो पितर बनता है और तभी उसे पितृ रूप में दिए गए श्राद्धादि प्राप्त होते हैं। और ये विधान पूर्वक यदि जिनका दहन वहन है ना और ये सब क्रिया, श्राद्धादि क्रिया और एक जो भी शास्त्रों में बतलाया गया है वो कुछ भी जिनका नहीं होता है तो उनकी उनका जो है उनकी कुंडली में प्रेतत्व दोष रहता है, पितृदोष रहता है, ये दर्शाता है। तो इसलिए अपने माता पिता के तथा अपने बच्चों को भी, अपने लिए और नहीं है कोई तो अपना स्वयं भी कोई व्यक्ति ये श्राद्ध कर सकता है। इसलिए लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, अपने माता पिता का जो है पूर्ण रूप से औरदयी कृत्य शास्त्रोचित विधि से करना चाहिए और अपने पुत्रों को भी समझाना चाहिए कि हम लोगों का भी आप जो विधि विधान पूर्वक करना। यदि लगे कि हमारे पुत्रों की इसमें प्रवृत्ति नहीं है तो जीवित श्राद्ध का भी विधान है, अपना स्वयं का आदित्य पुराण आदि में, वायु पुराण में और भी पद्धतिकारों ने, यहां तो पद्धति ही निकली हुई है जीवित श्राद्ध पद्धति, उसमें अपना भी व्यक्ति जो है पूरा कृत्य कर सकता, नरपर्ण श्रद्धा से लेकर के सपिंडन इत्यादि तक संपूर्ण कृत्य कर सकता, गया श्राद्ध आदि भी, तो ये करके जाए तो फिर पितृदोष नहीं होता है। अगर किसी की कुंडली में अब देखिए पितृदोष है तो उसका परिहार कैसे होगा? देखिए, तो मुख्य रूप से पितृदोष निवारण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध
करवाए और पार्वण श्राद्ध अथवा पार्वण श्राद्ध कराए, त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा पार्वण श्राद्ध करे। तो पर्वणि भवा पार्वण, हर अमावस्या को लगभग ये जो है पार्वण श्राद्ध करे। हर व्यक्ति को प्रत्येक अमावस्या में पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, ये विधान है। अमावस्या के दिन दूध, वैसे दूध बेचना सदा ही निषिद्ध है, अमावस्या के दिन गाय का दूध बिल्कुल बेचना मना है। मुख्य रूप से उस दिन जो है, अगर कोई उसको जमा करके और घी निकालता है तो वो घी जो है मांस के समान माना जाता है, और वो मदिरा के समान वो छाछ मट्ठा माना जाता है। इसलिए उस दिन तो ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए। ब्रज में, यहाँ की बात बतला रहा हूँ, पुराने पुराने जो भी लोग हैं, कोई भले ही वे जो है अंत्यज लोग हैं या जो है शूद्र लोग हैं या छोटी जाति के लोग कहिएगा, वे लोग भी, उनके यहाँ भी परंपरा है कि भाई आज हम दूध नहीं देंगे, भैया आज तो हमारे यहाँ जो है आज अमावस्या है तो आज तो जब बछड़े को ही पिवाएंगे, तो बच्चा बछड़ा बछिया जो भी होता है उसी को पिला देते हैं उस दिन, कि पितर भाई तृप्त हों, ये जो है प्रसन्न रहे, दूध दुहते ही नहीं है। तो उस दिन तो पार्वण श्राद्ध करने का विधान है, उस दिन जो है दूध बेचने का, या उस दिन ये सब मक्खन निकालना ये सब निषिद्ध है। खीर बनाइए, दही जमाना है तो ब्राह्मणों को पवा दीजिएगा। इस रूप से ये जो है पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग पार्वण पिंड दानात्मक श्राद्ध नहीं कर सकते, वे जो है पिंड रहित संकल्पात्मक पार्वण श्राद्ध करें, और वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम ब्राह्मण भोजनात्मक, ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। परंतु यदि जिनके पितृदोष है उनको तो निवारण के लिए बड़ा सरल लघु उपाय है कि त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा पार्वण श्राद्ध ये नहीं करे तो एक बार कम से कम त्रिपिंडी श्राद्ध करवा देवे, और फिर जो है हर अमावस्या को कम से कम तीन या एक ही ब्राह्मण का भोजन अवश्य करवाना चाहिए, घृतपक्व विधि पूर्वक पदार्थों से और नियमानुसार, तो पितृदोष की शांति होती है। अथवा अमावस्या के दिन गाय को भरपेट भोजन कराना चाहिए, या गाय को नित्य प्रति किसी के पितृदोष जो लगा हुआ है तो गाय को हरा खिलाए, अच्छा जो है दाना खिलाए, तब भी पितृदोष शांत होता है। गाय की जो भोजन करा के गाय को परिक्रमा दे करके और अपना जो है जो भी कष्ट आदि है या पितृदोष ही है तो उसका गाय के जो दक्षिण कर्ण में निवेदन करें, तो इससे भी पितृदोष की शांति होती है। गाय को भोजन, ब्राह्मण भोजन। और तीसरा और भी है, शनिवार के दिन अश्वत्थ वृक्ष जो होता है पीपल, उस पर जल चढ़ाएं, मीठा जल, परिक्रमा लगाएं, और सायंकाल को जो है काले तिल डाल करके तिल का दीपक जलाएं, तो उससे भी जो है पितृदोष की शांति होती है। पीपल पे जल चढ़ाना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल स्तोत्र जो अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करना, और सायंकाल को दीपक जलाना, ये सब पितृदोष शांति करने के सरल और शास्त्रीय उपाय हैं, इससे पितृदोष शांत होता है। इस प्रकार जो है कार्य अवश्य करना चाहिए, श्राद्ध आदि, ब्राह्मण भोजन आदि, ताकि अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की उन्नतियां उसको होती हैं, और नहीं तो फिर वो जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक समस्त प्रकार के व्यवधानों से वो जूझता रहता है। इसलिए ये शास्त्रीय कृत्य अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव।